असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास सेवन इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टड एक्सरसाइज एलेवन बी एलेवन बी बेटा हमने एक्सरसाइज की थी तो उसमें क्वेश्चन की नंबरिंग की मिसप्लेस हो गई थी मतलब कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को नाम दिया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड का और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को नाम दिया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास सेवन है या आश ट्राइंगल वाला ठीक है इट्स मीन वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड थे तो क्वेश्चन नंबर हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर वन एंड uh, क्वेश्चन नंबर रहता है हमारे पास uh, ये mm, जी क्वेश्चन नंबर फोर रहता है हमारे पास सॉरी फिफ्थ है ये ठीक है वन एंड फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन नंबर वन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है बेटा हमारे पास लास्ट टाइम हमने ये क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है तो कुछ बच्चों के आ, मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि चीज़ें थोरेटिकल करना और चीज़ें हैं चीज़ों को प्रैक्टिकल करना और चीजें हैं तो मैंने इस बार कोशिश की है कि आप लोगों को मैं खुद प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने कैसे करना है बोर्ड पे बेसिकली बेटा मैं चीजें आपको समझा देता था इस तरह आपने करनी है तो करनी है आपने खुद होती थी तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली हमने करना क्या है ठीक है तो होप सो वो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी होंगी लेकिन ये ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इनशाला आज से ठीक है बेटा एक्सरसाइज हमारे पास है इलेवन बी और क्लास है आपकी सेवन सब्जेक्ट मैथ है आपका जी तो क्वेश्चन नंबर वन है बेटा कंस्ट्रक्ट अ ट्राएंगल कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग पैरीमीटर ऑफ हैविंग पैरीमीटर And perimeter of twenty six centimeter, and the sides are in ratio, sides are in ratio, ratio three, ratio four, ratio six. तो करते हैं बेटा इसका अब ये हमारे पास साइड्स में गिवन है इट्स मीन exactly हमें साइड्स का नहीं पता कि साइड्स हैं क्या ठीक है लेंथ क्या है थ्री सेंटीमीटर है फोर सेंटीमीटर है या सिक्स सेंटीमीटर है या ये हमारे पास अगर टू से मल्टीप्लाई करें सिक्स सेंटीमीटर ये एट सेंटीमीटर ट्वेल्थ सेंटीमीटर या थ्री से मल्टीप्लाई एग्जैक्टली साइड का हमें नहीं पताजैक्टली exactly कितनी कितनी है तो साइंट exactly बेटा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है कि है क्या चीज इसकी सम तो अब हम निकते हैं यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारे पास पैरामीटर गिवन है डेट इज पैरामीटर दैट इज 26 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ साइड्स ratio of sides that is 3 ratio 4 ratio 6 i'm looking at sum of ratios 3 plus 4 plus 6 basically we are going to find exactly the length of first side length of second side and length of third side to make a triangle 4 6 10 10 3 13 centimeter मल्टीप्लाई पैरिमीटर कितना था ट्वेंटी सिक्स ठीक है बेटे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा थर्टीन वन सा थर्टीन टू जा थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स सेंटीमीटर यहां पे क्या लिख देंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड सेम लेंथ ऑफ सेकेंड साइड डेट विल बी इक्वल टू सेकेंड की बेटा कितनी थी फोर्थ थी रेशियो टोटल इनका सम कितना आया थर्टीन आया फोर डिवाइड बाय थर्टीन मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास थी पेरीमीटर ट्वेंटी सिक्स थर्टीन वन सा थर्टीन टू सा फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एट सेंटीमीटर आ जाएगा ये हमारे पास क्या आई है लेंथ ऑफ सेकेंड साइड आई है ठीक है अब लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड वो हमारे पास थर्ड की बेटा लेंथ देखेंगे रेशियो क्या थी सिक्स सिक्स डिवाइड बाय टोटल इनका सम क्या निकला है थर्टीन मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर कितना है हमारे पास डेट इज ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर 13 a, 13 तो इसका मतलब है है? क्या निकली ठीक हो गया इट्स मीन बेसिकली हमने क्या कर दिया लेंथ फाइंड कर लिया तीनों साइड की तो अब हमने इनसे क्या करना है की हमने बनानी है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है हमने ठीक है इनको फाइंड नहीं करना था ये देखें कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल लिखा हुआ है ठीक है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इट्स मीन अभी हमने इनको बनाना है तो जब लेंथ बनानी है तो इसका मतलब है इसका मतलब है बेसिकली हम क्या करेंगे फर्स्ट हम क्या करेंगे कोई भी लाइन इसके नीचे ड्रा कर सकते हैं ठीक है आपकी मर्जी है कि bigger वाली लाइन इफ ना फर्स्ट लेंथ की लाइन फर्स्ट साइड uh, की लेंथ निकली है हमारे पास ये सिक्स सेंटीमीटर सेकेंड की निकली है एट सेंटीमीटर और थर्ड की निकली है ट्वेल्व सेंटीमीटर ये साइड्स निकली हैं तो आपकी मर्जी है कि इनमें से कौन सी भी साइड आप नीचे रख सकते हैं इसका कोई इशू नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि बड़ी वाली साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर है वो नीचे लिख दें ठीक है मोस्टली सिक्स सेंटीमीटर भी नीचे लिखी जाती है मैं हंड्रेड परसेंट कह रहा हूं कोई इशू नहीं है सिक्स सेंटीमीटर लिख लें एट सेंटीमीटर लिख लें या ट्वेल्व सेंटीमीटर लिख लें ठीक हो गया तो हम ट्वेल्व सेंटीमीटर लाइन जो है वो नीचे ड्रॉ कर लेते हैं जी ये देखें हमने एक लाइन ड्रॉ की ये यहाँ जीरो से स्टार्ट किया हमने और ये हमारे पास आ गया ट्वेल्व यहां तक हमने मूव किया ठीक हो गया इसको नाम दे देते हैं ये ए है और ये हमारे पास बी है डेट इज ट्वेल्व सेंटीमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे सिक्स सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सेकेंड लेंथ क्या थी सिक्स सेंटीमीटर की लेंथ थी अब हम क्या करेंगे सिक्स सेंटीमीटर की ओपन करेंगे बी पे रख के कट कर ली बी पे रख के हमने ये सिक्स सेंटीमीटर कर लिया ठीक हो गया अब हमारे पास सी थी एट सेंटीमीटर तो हम एट सेंटीमीटर की कंपस ओपन करेंगे और ए रख के करें लगाएंगे ये ए पे रखा और ये हमने कट कर दिया ठीक है दोबारा देख लें ये ए पे रखने के बाद ये हमने ये कट कर दी तो इसका मतलब क्या है ए से जो लेंथ गई है दैट इज एट सेंटीमीटर और बी से जो गई है दैट इज सिक्स सेंटीमीटर तो इनको आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या आई है एट सेंटीमीटर आई है इसको हम सी का नाम दे देते हैं और इस सी को बी के साथ भी मिला देते हैं और ये हमारे पास लेंथ कितनी थी ये हमारे पास थी सिक्स सेंटीमीटर तो हमने ये एक कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल कर लिया है ट्रायंगल हमने एक बना लिया है अगर आप ये सिक्स सेंटीमीटर करते तो ये नीचे आ जानी तो फिर आपकी इमेज किस तरह की बनी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपकी ट्रायंगल जो है वो इस टाइप की बननी थी ये ये फिर नीचे होनी थी और ये आपके सामने इस तरह की ये ऊपर की तरफ बननी थी ये ठीक हो गया कोई इशू नहीं अगर आप एट सेंटीमीटर को नीचे रखते तो फिर आपकी जो ट्राइंगल है वो इस टाइप की बननी थी ये इट्स मीन दूसरी वाली साइड ज्यादा बिगड़ हो जानी थी ठीक है कोई इशू नहीं है तो वो इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन पॉइंट आप खुद होपो so, लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया ड्रॉ लाइन ए भी हमने नाम दे दिया दैट इज ट्वेल्व सेंटीमीटर सर ट्वेल्व सेंटीमीटर अब क्या किया है

ऑफ अब हमने इसके बाद कौन सी ओपन की थी एट सेंटीमीटर की एट सेंटीमीटर एंड कंसीडरिंग सेंटर सेंटर फिर हमने कंसीडर कौन सा पे आके लगाई थी? थी ना ये देखिए सॉरी ये ए पे आके लगाई थी और ये बी पे लगाई थी ठीक है कंसीडरिंग सेंटर ए मेक एन आर्क या ड्रॉ एन आर्क मेक एन आर्क जब ये आर्स मिल गई हैं लगी हैं लग है, तो फिर ये आर्स जो आपस में मिल गई थी फिर हमने क्या किया था जॉइन ए विद सी एंड बी को हमने भी किसके साथ मिला दिया था विद सी विद बाय हेल्प ऑफ ऑफ लाइन लाइन से हमने इनको ज्वाइन किया था ठीक है Required is a is a construction of triangle. Construction of triangle. ठीक है बेटे ये आपके पास इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी बना ठीक है इस तरह बेटा आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं दोबारा देख लें अगर इस, इसी को इसमें देखने में प्रॉब्लम आई थी ओके okay. हमने बेटा क्या किया पहले ए बी एक ट्वेल्व सेंटीमीटर ड्रॉ किया फिर उसके बाद बी पे रखा है सिक्स सेंटीमीटर कंपस ओपन करके इस तरह कट कर दिया फिर ए पे रखा है ट्वेल्व सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर की कंपस ओपन करके यहाँ यहाँ पे कट कर दिया इनको आपस में मिला दिए हमारे पास क्या बन गया एक ट्राइंगल बन चुकी है इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर वन थ्री फाइव एंड सेवन वाला है हमारे पास and uh, we have no one three five and seven one two three four five हाँ जी फाइव वाला हमारा क्वेश्चन अभी रहता है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज आल्टीट्यूड इज 4.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होल्टीट्यूड इज फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी मर्जी से ठीक है जब हम एक एरो ड्रॉ कर लेंगे या लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए बी का नाम दे दें पी क्यू का नाम दे दें उसके बाद हमने राइट बाय सेक्टर करना है राइट बाय सेक्टर करने के बाद फिर हमने उनका एंगल्स ड्रॉ करने हैं वो किस तरह करने हैं वो मैं आपको बताता हूं हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे एक ये देखिएगा हम एक अपनी मर्जी से एक ये एरो ड्रॉ कर दिया रेड्रॉ कर दी बोथ साइड्स पर ठीक है इसे आप ए बी का नाम दे दें पी क्यू का नाम दे दें इट्स योर अब हमने क्या करना है आप सा कि इसका ये मोर देन हाफ ओपन हुआ है मोर देन हाफ ओपन हुआ है तो हम इसके इसके ऊपर वाली साइड पे और इस तरह नीचे वाली साइड पे ठीक है दोबारा देख लीजिएगा हम इसके अपसाइड एंड इट्स की डाउन साइड पे हमने क्या कर दी आर्क्स लगा दिए ठीक है फिर हम क्या करेंगे इसके ए पॉइंट पे रखेंगे इधर और इसी तरह इसके अपसाइड और इसकी डाउन साइड पे ये हम क्या करेंगे आर्क्स लगा देंगे जब ये आर्क्स लग जाएंगी फिर हमने क्या करना है इनको डॉटेड लाइन के साथ मिला देना है शायद आपको याद हो ये आप लोगों ने क्लास सिक्स में किया था राइट बाय सेक्टर निकालना सीखा था। ठीक है लाइन का राइट बाय सेक्टर निकालना सीखा था तो ये हमने वो ही काम किया है राइट बाय सेक्टर कर दिया तो अब हमारे पास फोर क्योंकि अल्टीट्यूड बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट को मतलब यहां से लेकर मैक्सिमम जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस होगा हमारे पास आल्टीट्यूड होगा वो हमारे पास फोर सेंटीमीटर तो अब हम क्या करेंगे ये हमने स्केल ले लिया और 4.5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे ओपन कर लेंगे ये ये हमारे पास आ गया 4.5 ठीक हो गया अब हमने क्या करना है इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस लाइन को हम यहाँ पे कट करेंगे ठीक हो गया इस पे हम यहाँ पे कट कर देंगे तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे डॉटेड नहीं लगे तो हम यहाँ भी लगा देते हैं इसको हम अब डॉटेड की बजाय रियल लाइन बना देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है ये सेंटीमीटर बन चुकी है क्योंकि हमने एक ट्राइंगल बनानी है ये तो अभी तो अभी नहीं बनी और कौन सी ट्राइंगल बनानी है ये देखिएगा इक्यूलेटर ट्राइंगल बनेंगे तो इसका मतलब है ये तो अभी एक ट्राइंगल इकूलेटर ट्राइंगल नहीं बनी तो फिर आपने क्या करना है इसके बाद इसके बिल्कुल ये देखिएगा इसके बिल्कुल आपने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ठीक है ये डॉटेड ठीक हो गया ये एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली अब हमने क्या करना है एक अपनी नॉर्मल सी कंपस ओपन कर लेनी है नॉर्मल कंपस का मतलब होता है 1.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ठीक है जो भी आपने ओपन किया उसी को बार बार चेंज नहीं करेंगे हम वही रहने देंगे हमने कंपस ओपन कर लिया कंपस ओपन करने के बाद हम इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे ये इस तरह एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे ठीक हो गया उसके बाद हमने क्या करना है इस पॉइंट पे रखते हुए ये हम देखिये इस पॉइंट पे रखते हुए हमने ये कट कर दिया जब जैसे ये कट करेंगे तो इसका मतलब होगा ये हमने 60 का एंगल बना दिया ठीक है और इधर भी हम क्या करेंगे एक इसी तरह एक कट कर देंगे इट्स मीन दोनों तरफ हमने 60 के एंगल बना दिए बेटा फर्स्ट लाइन सेमी सर्कल के बाद जब हम पहला कट करते हैं तो वो 60 का एंगल बनता है तो हमने एकुलेटर ट्राइंगल के लिए हमें थर्टी का एंगल चाहिए होता है तो सिक्स इसका मतलब है इसका और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक सिक्सटी का एंगल बनाए तो बेसिकली हमें थर्टी का चाहिए इसका मतलब इसका और इसका हाफ चाहिए इसका मतलब फिर क्या है हमने एक पॉइंट यहां पे रख के इस तरह कट करना है कट करें और दूसरी हमने क्या करना है यहां पे रख के ये कट करेंगे ठीक है ये जो काम किया है, हमने इस, इसको पॉइंट के साथ हमने मिला देना है इसको इधर से पास करेंगे और ये हमारे पास इसको इसके साथ मिल गई है अब हमने क्या करना है यही काम जो इधर किया है वो हम यहां पे करेंगे क्या हमने किया था वही ओपन करनी है आपने कंपस कम या ज्यादा नहीं करनी चेक कर लेते हैं हमारी ज्यादा हुई है कम हुई है वही है है ठीक हमने क्या करना है क्योंकि यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारे पास एंगल है वो सिक्सटी है हमने इसका और इसका हाफ करना है बेसिकली हम क्या करेंगे हमने कट यहां पे रख के करेंगे लगाएंगे और दूसरा कट जिसका जहां पे बेटा दो लाइंस uh, का या दो एंगल्स का कट हाफ करना होता है तो बेसिकली हमने क्या करना होता है उन दोनों एंगल्स के जो कट्स हैं आर्क्स लगी हैं उन पे हम कंपस रख के मजीद आर्क्स बनाते हैं तो हमने क्या किया ये देखें कट बन गया तो अब हमने क्या करना है इस में से ये हम स्टेट इसमें से पास करेंगे तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी चेक कर लेते हैं इसकी लेंथ हमारे पास आई है फोर सेंटीमीटर इसकी चेक कर लेते हैं ये हमारे पास कितनी चेक करते हैं ये इकोलेटर ट्राइंगल है भी क्या नहीं है ये देखें ये भी फोर सेंटीमीटर आई है ठीक है अब नीचे वाली चेक कर लेते हैं कि अब ये भी फोर सेंटीमीटर है ये देखें ये भी यहां से लेकर यहां तक ये फोर सेंटीमीटर है इसका मतलब है ये इक्वलेटर ट्राइंगल बन चुकी है ठीक है जो हमने काम साथ, -साथ किया है बेटा वो आपने यहां पर मैंशन कर देना है कंस्ट्रक्शन पॉइंट में ठीक है कंस्ट्रक्शन में बेटा क्या लिखेंगे फर्स्ट हमने क्या किया ड्रॉ रे ए बी उसके बाद हमने क्या किया है इसका बायसेक्टर सेक्टर किया है राइट बायसेक्टर सेक्टर किया है किसका लाइन एबी का ठीक है रे ए बी का तो उसके बाद हमने फिर क्या किया है ओपन योर कंपस

और इसको n का नाम दे दो ठीक है ड्रॉ नॉक्स कंसीडरिंग सेंटर m ये कंसीडरिंग सेंटर हमने किया किया ये कट हमारे पास हो गया तो इसको नाम हमने l का दे देंगे इसका और इसका हमने दोनों को पहले यहां पे कंपास रखी तो ये कट किया फिर यहां पे कंपास रखी तो ये कट किया इनको आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास एक लाइन यही काम जो हमने इधर किया वही करेंगे ये हमारे पास सेमी सर्कल था यहाँ पे रख के एक कट ये किया अब इसका और इसका हमने हाफ करना है एक कम्पस यहाँ पे कंपस की नीडल यहाँ पे रखेंगे और ये कट करेंगे फिर कंपस की नीडल यहाँ पे रखेंगे और ये कट करेंगे इनमें से भी एक लाइन स्ट्रेट पास कर देंगे आप चेक कर सकते हैं अगर आपका आंसर ठीक है तो आप चेक करें यहाँ से लेकर आपका डिस्टेंस क्या फोर सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर आपका डिस्टेंस फोर सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर अगर डिस्टेंस फोर सेंटीमीटर है इट्स मीन इट इज इकूलेटेडल एंड योर आंसर इज हंड्रेड एक्यूरेट